सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इंडियन एक्सपेरिमेंट को और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। तो दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं ड्रोन, मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। मैं आपको चार मोटर के ड्रोन के बारे में बताऊंगा और दो मोटर के ड्रोन के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम एक ढक्कन ले लेंगे जो किसी भी डब्बे का होता है, या फिर नहीं मिलता तो एक किराना दुकान से ले लेंगे उसे। तो इस डब्बे का हम सेंटर पॉइंट निकाल लेंगे। सेंटर पॉइंट हम प्रकार से भी निकाल सकते हैं और स्केल की हेल्प से भी निकाल सकते हैं। तो सेंटर पॉइंट निकालने के बाद हम दोनों साइड 3-3 mm की लाइन खींच लेंगे और कटिंग कर लेंगे, जैसे कि मैं कटिंग कर रहा हूँ। देखिए अब इसे हम ड्रोन की शेप में कटिंग कर लेंगे। ये ड्रोन की शेप में हो चुका है। फिनिशिंग के लिए हम थोड़ा साइड से ब्लेड से कट कर लेते हैं। आप थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा क्योंकि इस पर हाथ पे लगने का खतरा है। तो ये ड्रोन बनके रेडी हो चुका है, शेप रेडी हो चुकी है। तो हम एक डीसी मोटर लेंगे और उसकी प्रॉपर यानी पंखड़ियाँ उसमें ऐड कर लेंगे। तो पंखड़ियाँ ऐड करने के बाद हम ऐसी चार मोटर को उसके चारों कॉर्नर पे चिपका देंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं वन बाय वन उन्हें चिपका रहा हूँ। चिपकाते समय ये ज़रूर ध्यान रखें कि लेवल में ही चिपकें, क्योंकि अगर लेवल में नहीं होगा तो इनका बैलेंस में प्रॉब्लम आ सकती है। देखिए मैंने चारों चिपका ली हैं। ये चार मोटर का ड्रोन रेडी हो चुका है, लेकिन हम सबसे पहले दो मोटर का बनाएंगे क्योंकि दो मोटर का अभी तक किसी की वीडियो में मैंने देखा नहीं है। तो दो मोटर के बनाने के लिए हम साइड इनकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के लिए सिर्फ दो साइड ही छोड़ेंगे और ऐसे ही कटिंग करते हुए हम इसे सेंटर से भी कटिंग करेंगे और दोनों को चिपका देंगे। चिपकाते समय ये ज़रूर ध्यान रखें कि दोनों का गैप बिल्कुल इक्वल ना हो, क्योंकि इक्वल गैप होने से इनकी जो पंखड़ियाँ हैं प्रॉपर वो मोटर स्टार्ट होने के बाद लगने का डर होता है। तो हम इसकी दूसरी साइड भी मोटर को ग्लू गन से चिपका लेते हैं और चिपकाते हुए थोड़ा लेवल का ज़रूर ध्यान रखें क्योंकि दोनों सेम लेवल में लगी हो। तो चलिए दोस्तों इनके हम कनेक्शन कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं तार। कनेक्शन करने से पहले इनके जो साइड के जो बेस होता है जिस पे मोटर हमने चिपकाई है उस पे थोड़ा सपोर्ट लगा देते हैं प्लास्टिक का, जिससे कि मोटर के प्रेशर से उसकी पंखड़ियाँ जो बेस है उस पे ना टकराए। इसे दोनों साइड से चिपका लेंगे, क्योंकि क्या होता है कि मोटर की थोड़ी स्पीड ज़्यादा होने की वजह से और ये जो बेस है ये लाइट वेट है, लाइट वेट होने की वजह से इनकी पंखड़ियाँ इसमें लग जाती हैं। तो इस वजह से हम पहले चिपका लेते हैं दोनों तरफ। अब हम दो पंखड़ियों के ड्रोन के बीच में एक बेस ज़रूर चिपका लेंगे, क्योंकि हमें स्टैंड करते हुए प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर हम दो साइड के ड्रोन को स्टैंड करेंगे तो उसका बैलेंस नहीं बन पाएगा। बिल्कुल सेम इस तरीके से बैलेंस में चिपका लेंगे, जिससे कि अगर हम ड्रोन को स्टैंड करते हैं तो ईज़िली वो स्टैंड हो जाए। मोटर को प्रॉपर चिपकाने के बाद हम इसका ट्रायल करते हैं, देखते हैं कि कैसे उड़ता है। एक बार फिर देखते हैं, क्योंकि बैलेंस की वजह से थोड़ा साइड हो गया था। तो हाँ आज हम इस ड्रोन को उड़ा के ही मानेंगे दोस्तों। आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए क्योंकि वीडियो में और हम ड्रोन को हर एंगल से उड़ते हुए दिखाएंगे। तो वीडियो में बने रहिए और आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। देखिए ड्रोन उड़ रहा है, आपको मैंने बहुत क्लोज से दिखाया है। अब मैं आपको साइड का एंगल भी दिखा देता हूँ। देखिए साइड से और बैक से दोनों से दिखाऊंगा मैं आपको। ये देखिए ये तो फ्रंट से देख रहे हैं हम, अब ये मैंने साइड से दिखाया है साइड से कैसे उड़ रहा है ये, और ये बैक से उड़ते हुआ किस तरीके से दिखाई दे रहा है बैक से। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं सिंगल मोटर से उड़ने वाला ड्रोन दिखाऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।